देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां एक बिजनौर के एक पति ने किन्नर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मृतका के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बिजनौर के अफजल थाना क्षेत्र के गोहर अली जिले का यह मामला बताया जा रहा है। सर ये पूरा एक अजीम और ज्योति जो है वाइफ ऑफ शद्दू, आज ये सुबह की घटना है। करीब जो है 9 बजे के आसपास जो है इनके पति जो है शद्दू जो है वो घर पे आए और उन्हें गोली मार दिया। जो कमरे में गए उनके पति पत्नी है दोनों लोग जो है, इनका एक्चुअली पैसे को लेकर के बात था करीब 15-16 लाख रुपये में। और शद्दू जो इसी मोहल्ले के हैं जो है वर्तमान में चाँदपुर में रह रहे हैं, लेकिन पैसे का विवाद चल रहा था इनका काफ़ी दिनों से, और उसी पैसे के लेन देन के चक्कर में इन्होंने जो है आज सुबह आकर के दोनों लोग गए पति पत्नी के कमरे में और वहीं पर इन्होंने गोली मार दी, जिससे इनकी अजीम की मृत्यु हो गई है। और हम लोग इसको 2 टीमें लगा करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। अफजलगढ़ के गोहर अली इलाके में एक पति ने अपनी किन्नर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया और छानबीन में लगी हुई है। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती बिजनौर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।